हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग एक रिच कनेक्शन के एक और टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि है आई रैग बोल्ट टाइप, आई रैग टाइप सर्विस कनेक्शन। इसमें जो है ये हमने पढ़ाया था कि तीन टाइप था। एक हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल जो है ब्रेकर टाइप, वर्टिकल ब्रेकर टाइप और आई रैग टाइप। तो आज आई रैग टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कैसे डिजाइन की जाती है, कैसे कनेक्शन दिए जाते हैं घर को, यानी कि भवन को कैसे सप्लाई दिए जाते हैं, उसमें देखेंगे। तो इसी टाइप में चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो मंजिला उपभोक्ता को 10 किलोवाट 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज का सेवा कनेक्शन दिया जाना है। वितरण पोल की दूरी 15 मीटर है। उक्त संयोजन हेतु कुल लागत का आकलन कीजिए। यहाँ पर देखिए, जो हमने दूरी रखा है, जो यानी कि सर्विस पोल से जो आपके घर के मीटर तक की जो दूरी है कितनी है, 15 मिनट 15 मीटर है। 15 मीटर का मतलब यह है कि आप यहाँ पर कौन सा वायरिंग करें, कौन सा वायरिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, पोल से सीधा आप सीधा केबल ले जाएंगे, क्योंकि 15 मीटर तक अगर नजदीक है या 15 मीटर तक है, तो वहां से हम जो है सर्विस पोल से हम सीधा क्या लेते हैं, केबल दौड़ा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर हम जो है आपके भवन पे हम क्या लगाएंगे, या तो आई रैक बोर्ड लगाएंगे, वहां तक फिर हम जो है एसीसी तार वहां तक खींचेंगे, फिर वहां से उस हम क्या करेंगे, मीटर तक केबल ले जाएंगे। फिर 15 मीटर के अंदर ही है, 15 मीटर ही है, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, केबल इस्तेमाल कर लेंगे, फोर फोर कोर केबल इस्तेमाल करेंगे इसमें की। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। इसके सॉल्व करने से पहले इसमें पूर्वानुमान ले रहे हैं, यानी मानेंगे क्या क्या चीज मान रखा है। पहला है, सेवा संयोजन सिरों पर केबल द्वारा किया जाना है। केबल द्वारा क्यों किया जाना है, क्योंकि ये केबल द्वारा आई रैग किया जाना। आई रैग क्यों, क्योंकि दो मंजिला है, दो मंजिला में कौन कौन सा सर्विस कनेक्शन दिया जाता है, या तो फिर हम हॉरिजेंटल ब्रैकेट इस्तेमाल करें, या फिर हम आई रैग जो है कनेक्शन इस्तेमाल करें। तो हम आई रैग वाला इस्तेमाल कर रखा है। एक किस टाइप में देखते हैं क्या क्या चीजें लगती हैं, देखें। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमने मान रखा है कि फोर कोर केबल उपयोग किया जाना है। तीसरी क्या है, भू तार 8SWG तार का है, जीआई तार है, यानी कि हम जो उसके धातु भाग होंगे उसमें हम कितना कम से कम उसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज होगा वो नंबर 8 का होगा, और कौन गलनाइज आयरन तार होगा। आगे चलते हैं, आई रैग बोल्ट से मीटर तक की दूरी कितनी मान रखा है, यहाँ पे 5 मीटर मान रखा है, यानी कि आपका हमने पिछले में 10 मान रखा था, यहाँ पे कितना मान लिया है कि 5 मीटर, यानी कि आपका जो आई रैग बोल्ट से आपके आई रैग बोर्ड से आपके जो है घर तक की आपके मीटर के घर के मीटर तक की दूरी कितनी है, वो तो कितनी है, 5 मीटर मान रखा है। चलिए आगे चलते हैं, टर्मिनल पर केबल का जो केबल का 2 मीटर लूप दिया जाना है, यानी कि टर्मिनल जहां पर हम जिस सर्विस पोल पे हम कल केबल जोड़ रहे होंगे, वहां पर 2 मीटर के हम क्या कर देंगे, लूपिंग करते हैं, यानी बीच में कहीं भी हम लूपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगर केबल बढ़ाना पड़े, कहीं और दूर ले जाना पड़े, तो हम उसी लूपिंग का इस्तेमाल, लूपिंग जो एक्स्ट्रा के वायर की लंबाई, एक्स्ट्रा केबल की जो लंबाई है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले लोड करंट निकालते हैं। लोड करंट निकालने के लिए देखिए, हमने फॉर्मूला है, फॉर्मूला P/√3V cos φ रखेंगे। आपको दिया गया है कि हमारा जो 10 किलोवाट का है, तो 10 into 10 into हमने ये लगा दिया। इसके बाद जो है ये हमने वोल्टेज का वैल्यू पुट कर दिया 400, फिर हमने कॉस फाई का मान यहाँ पर 0.8 रखा है, 0.8 से 0.9 तक रख सकते हैं आप लोग, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, तो वहां पर हम 0.8 ले रखा है यहाँ पे। इसके बाद इसका जो करंट आया, यानी लोड करंट कितना घर में जा सकता है, वो कितना जा सकता है, 16 एम्पियर जा सकता है। हम जानते हैं कि शुरू में जब लोड एक पड़ता है, तो उससे लगभग लोड करंट से 1.5 गुना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है करंट बढ़ जाता है, तो हम जो केबल इस्तेमाल करेंगे रेटिंग का, वो 1.5 गुना एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, केबल की जो माप होती है
वो कितना रहेगी? 4 mm स्क्वायर पीवीसी चार को केबल 500 वोल्ट क्रिएट कर रहेगा, इसको इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें रहेंगी, इसका जो प्लान रहेगा किस तरह से बनाया जाता है, तो प्लान देख लेते हैं। प्लान में आपका देखिए 2 मंजिला भवन है आपका, एक ये है और दूसरा ये है, एक ये है दूसरा ये है। तो जो हमारा दूसरे मंजिले के, क्योंकि हमारा जो केबल आता है वो भवन से ऊपर रहता है, पहले भवन से क्या रहता है ऊपर रहता है, तो पहले भवन से ऊपर दूसरे भवन के दीवार पर लगेगा। कहाँ लगेगा? दीवार में हम क्या करेंगे, रैग बोल्ट को जाम करेंगे, रैग बोल्ट को जाम करें ऐसा से पोल से जब आपका केबल आएगा तो इसी में फंसा के फंसा दिया जाता है। इसके बाद फिर वहां से वह जीआई पाइप के थ्रू जो यू टाइप का रहता है, यानी कि इस टाइप का इसलिए बनाया जाता है कि बरसात का पानी अगर किसी गिरे तो हमारा पानी इसके अंदर क्या हो जा ना सके, जाएगा तो केबल खराब होगा, मीटर बोर्ड तक आपका पहुंच सकता है पानी। इसको हम क्या करें थोड़ा यू टाइप का बनाते हैं कि वो पानी इसके अंदर नहीं जा पाता है। देखा होगा कि आप लोगों ने घरों के ऊपर लगाया जाता है अधिकतर जब हम सर्विस कनेक्शन देते हैं घर में केबल दौड़ ले जाने के लिए। तो इसका प्लान देखिए, भवन से 15 मीटर दूरी पर है, यहाँ पे दिखा दिखा दिया जा रहा है। ये एक लाइन इसलिए दिखाएगा क्योंकि केबल हमने इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं पे जो है यही अगर हमारा 15 मीटर से ज्यादा होता दूरी तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ब्रेकेट कितने जितने हमारे 4 वायर आते हैं, तो 4 वायर तो 4 हमारे ड्रैग बोर्ड लगते हैं दीवार पर और सबको यहाँ पर खींचा जाता और सब में जो है एक एक वायर जाते, हिसाब से हम सिंगल लाइन दिखाते थे। यहाँ पे 3 4 वायर दिखाते, कितना दिखाते 4 वायर दिखाते, और यहाँ से फिर यहाँ के बाद हम केबल इस्तेमाल करते, यहाँ के बाद क्या इस्तेमाल करते केबल इस्तेमाल करते। तो रैग बोल्ट एक ही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ से बाद हमारा मीटर में क्या केबल जाएगा, इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगी देखते हैं क्या क्या लग रहा है। चलिए तो आवश्यक सामग्री की बात करते हैं, आवश्यक सामग्री की सूची बनाएंगे, सूची में ये सब लिख लेंगे हम लोग, सामग्री की नाम, विशेषता, मात्रा, दर और मूल्य। देखते हैं पहला जो हम मीटर लगाते हैं वो हमारा एनर्जी मीटर जो लगेगा, ऊर्जा मीटर, वो कितने रेटिंग का है, 10 किलोवाट का है, 440 वोल्ट, 3 फेज 50 हर्ट्स। कितनी संख्या जरूरत होगी, एक लगेंगे क्योंकि एक से ही हम दोनों मंजिलों को दे रहे हैं। इसके बाद जो है ये क्या, इसका रेट हमने 1500 रुपये रखा है, 1500 रुपये दे रखा। देखिए अगर मीटर बोर्ड, मीटर क्योंकि हमारा जो मीटर होता है मीटर बोर्ड में स्थापित किया जाता है, तो वो ढक्कनदार सहित रहेगा क्योंकि हमारा जो मीटर होता है एक जो है मीटर बोर्ड में ढक्कन से लॉक लॉक किया जाता है, क्योंकि तो उसको कोई खोल ना सके, उसको लॉक इसलिए किया जाता है, कोई उसको सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारी ही उसे खोल सकते हैं, दूसरा कोई उसे खोल नहीं सकता, उसे सुरक्षित रखने के लिए, या चोरी ना हो या फिर बगल से कोई कटिंग ना हो सके, ऐसा इसलिए किया जाता है। आगे देखते हैं फिर इसकी संख्या, उसका जो बोर्ड रहेगा वो हमारा 300 रुपए का बोर्ड है। जो आई रैक देखिए हमने एक इस्तेमाल कर रखा है, तो ये क्योंकि मीटर जो हमारा केबल आता है वहां पर फंसा दिया जाता है, तो वहां से क्या होता है उसकी जो उसको तान दिया जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में उसमें सैग कम से कम बनने पाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इसका एक इस्तेमाल किया हमने, केबल लग कितने लगने वाले हैं, केबल लग जो है देखिए जितने की भी केबल लग लगे हुए हैं यहाँ पे देख लेते हैं कितने केबल लग लगे हैं, क्योंकि केबल के जो टर्मिनल पोस्ट होते हैं हर टर्मिनल पोस्ट पे केबल लग लगाए जाते हैं, केबल लग लगाए जाते हैं इसलिए लगाए जाते हैं कि वहां से कनेक्शन देने में आसानी रहती है, क्योंकि उस पर हम क्या जम्पर वायर जब डालते हैं, सॉरी जब हम लोग एरियल एरियल जो है फ्यूज लगाते हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं केबल लग इस्तेमाल। तो कितने होंगे, 4 हमने केबल लग इस्तेमाल कर रखा है। इसके बाद केबल क्लैंप की बात करते हैं, केबल को स्थापित किया जाएगा, केबल क्लैंप, ये केबल क्लैंप हमने इसको यहाँ पर जाम रखते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं, तो केबल क्लैंप यहाँ पर केबल को बांधने के लिए इस पे यहाँ इस्तेमाल करेंगे और शुरू में इस्तेमाल करेंगे। दो क्लैंप इस्तेमाल कर रखे हैं, एक जो है पोल पे हम क्लैंप लगाते हैं और दूसरा कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमारा आई, एक जो है हमारा पोल पे लगेगा क्लैंप यहाँ पर, और दूसरा कहाँ क्लैंप लगेगा,
केवल हिल क्या है, केवल क्या है, हिल डुल ना सके। आगे चलते हैं, एरियल फ्यूज, एरियल फ्यूज कितने लगेंगे, तीन, कि थ्री फेज है, फेज वायर में ही हमारा एरियल फ्यूज लगता है 30 एम्पियर का लगे से, क्योंकि हमने देखा हमने डबल ले रखा है, यहाँ पे 16 एम्पियर का है, तो हमने 30 एम्पियर डबल उसका दोगुना हमने फ्यूज इस्तेमाल कर रखा है, तो फ्यूज ले लिया। फ्यूज ले लिया हमने 400 रुपए का एक हिसाब से ले रखा है। अब देखिए जीआई पाइप की बात करते हैं, जीआई पाइप वही पाइप है जो इसके थ्रू हमारा क्या है केबल मीटर बोर्ड तक जाएगा। देखिए जीआई पाइप यहाँ दिख रहा इसका है, यहाँ पे 5 मीटर था हमने मान रखा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हम 6 मीटर ले रखा है, एक एक्स्ट्रा कहीं मोड़ इधर मोड़ने में कहीं आवश्यकता पड़ जाती है तो वहां पर इस्तेमाल हो जाता है। अगर देखें फ्यूज कट आउट कहाँ लगता है, मीटर बोर्ड के जस्ट बाहर लगता है, इसलिए लगाया जाता है कि आपके घर में एक्स्ट्रा अगर बाई चांस आपका एयर फ्यूज नहीं उड़ता है तो आपका कटआउट फ्यूज का जो फ्यूज है उड़ जाए, इससे क्या है कि आपके घर में लगे हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे टीवी फ्रिज कूलर वो क्या होंगे जलने से बच जाएंगे, यानी कि खराब होने से बच जाएंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद ऋतु शाह केबल, यानी कि जो हमारा केबल इस्तेमाल होगा वो क्या होगा एनवायरमेंट से अनफेक्टेड होगा, ठीक है, यानी कि उससे क्या होगा उससे सुरक्षित रहेगा एनवायरमेंट, आपको सर्दी जो है आपका चाहे वो बरसात हो चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, इससे क्या रहेगा वो बचे, उस पर अगर पड़ता है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो वाला केबल इस्तेमाल करेंगे, चार कोर केबल, 440 वोल्ट पूरे में स्क्वायर, और वो कितना मीटर इस्तेमाल हो रहा है, 25 मीटर। 25 मीटर क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 15 मीटर तो लग ही जाएगा क्योंकि हमने पोल से दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना, 6, कितना हो गया 15 6 21, और हम उसका 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हिसाब से हमारा कितना एक्स्ट्रा ले रखा है, तो हिसाब से हमने 25 मीटर क्या है केवल माल ले लिया है, यहाँ केवल 25 मीटर ले लिया, 40 रुपए पर मीटर के हिसाब से केबल है, रेट लगा रखा है, वो हमारा 1000 रुपए का केबल होगा। आगे चलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बालू का इस्तेमाल कहाँ होगा, जिसका रेशियो क्या रहेगा, 1:3:6, 1:3, 3:3, यानी कि 1 जो रहेगा हमारा सीमेंट रहेगा, 3 हमारा क्या रहेगा कंक्रीट रहेगा, 6 हमारा क्या रहेगा बालू रहेगा, उसका रेशियो मसाला जो तैयार किया जाता है उसका रेशियो दिया गया है, उसकी विशेषता बताई गई है, वो कितना कितनी रिक्वायरमेंट है आवश्यकता अनुसार है, एलएस ले रखा है, और भू तार जो है भू तार लगेगा 8 SWG 1 kg, तो हमने इतना ले रखा है 200 रुपये। इसका सारे सामग्री को जोड़ लेंगे तो जोड़ लेंगे, क्योंकि इतनी ही सामग्री लगने वाली है, तो ज्यादा सामग्री इसमें नहीं लग रहे हैं, हमने रैग बोल्ट इस्तेमाल, या रैग बोल्ट जो हमारा यहाँ पर एरियल फ्यूज लगेगा, लग्स लगेंगे, यहाँ पर क्लैंप लगेगा, एक यहाँ क्लैंप लगेगा, ये जीआई क्लैंप, जीआई पाइप क्लैंप यहाँ लगेगा, ठीक है, ये जीआई पाइप है, ये सारी चीजें हमने बता रखी है, तो वो चीजें इसमें उसी उसी अनुसार हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट हमने बना दिया, इतनी सामग्री आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ध्यान दें टोटल हम जोड़ेंगे सामग्री का मूल्य कितना आ रहा है, टोटल जो है मूल्य सामग्री का 4,110 रुपया है, किसी का थोड़ा कोई एक्स्ट्रा हो ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, क्योंकि जो जिस हिसाब से रेट तय लगाएगा, जैसे कि इसका जो रेट लगा हुआ है केबल का वो 30 रुपए प्रति लगा हुआ है, तो इस हिसाब से कोई 40 भी लगा सकता है इसका, ये आप लोगों को बताया भी गया था कि मार्केट सर्वे करना जरूरी होता है, मार्केट सर्वे में आपको इसलिए भेजा जाता है कि आप मार्केट में पता करें कौन सी जो है कौन सा सामान जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट के जो भी सामान है वो कितने में मिल रहे हैं, क्या उसका रेट है, फ्यूज क्या है, बल्ब कितने का मिलता है, किस कंपनी का है, वो आपको पता करना होता है, उसी अनुसार जो हम यहाँ रेट जो है लगाते हैं। देखिए यहाँ पर श्रम मूल्य क्या है, सामग्री मूल्य का 20% निकाल लिया हमने, यहाँ पे इतना उसका रेट यहाँ आ गया, आकस्मिक मूल्य जो होता है सामग्री मूल्य और श्रम मूल्य के जोड़ का 11% निकाल लिया गया है, हमने यहाँ निकाल लिया है। पर निरीक्षण शुल्क जो है
वो 10% निकाला जाता है श्रम मूल्य, आकस्मिक मूल्य और सामग्री मूल्य का, वो हमने निकाल लिया यहाँ पे देखिए। और कुल लागत जो होगी इन तीनों को जोड़, चारों को जोड़ लिया है तो कुल लागत आ गई 6221.97। यानी कि जो आपका केबल से जो कनेक्शन दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो है कम से कम खर्चा लगता है, देखा होगा कि वो क्या होता है उसमें खर्चे कम आते हैं सर्विस कनेक्शन में, इसीलिए जो है एक जो है केबल कनेक्शन अगर देना हुआ उसके लिए रूल्स है कि 15 मीटर से ज्यादा की आपका दूर सर्विस पोल ना हो। इसी हिसाब से हमारा माना तो यही है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, 15 क्या 25 मीटर तक से वहां से केबल से खींच के लेकर चले आते हैं अपने घर का, ठीक है, मानक को प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। ये आपका घरों में कनेक्शन के लिए है, ये आपका रैग बोल्ट टाइप का दिखे, रैग बोल्ट टाइप इसलिए कहा गया यहाँ रैग में ही हमारा वायर फंसाया गया है यहाँ के रैग में, और सब में कहाँ वायर खींचा गया था सर्विस पोल से सीधा ब्रेकर पर खींचा गया था, यहाँ पर कहाँ सर्विस पोल से सीधा कहाँ खींचा गया रैग बोल्ट पर, इसलिए रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। और ये हमेशा 2 मंजिला जो भवन होगा वहां पर ही इस्तेमाल होंगे, इससे नीचे नहीं इस्तेमाल होंगे, अगर 1 मंजिला है तो वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, 2 मंजिला है 3 मंजिला है तो वहां पर ये कनेक्शन का टाइप इस्तेमाल होगा, सॉल्व कर लेंगे, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।